स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो में। तो एक नया दिन और एक नई बहाली। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंतर्गत ड्राफ्ट्समैन एंड सुपरवाइजर के पदों पे बम्पर बहाली आया है। जी हाँ दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो ये टोटल जो पोस्ट है 502 है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो भारत की किसी भी राज्य से हैं, किसी भी शहर से हैं, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अप्लाई फ़ी की बात कर ले तो जो भी जनरल कैटेगोरी ओबीसी कैटेगोरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 100 रुपया फ़ी रखा गया है। वहीं अन्य कैटेगोरी जो भी बचे हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। सैलरी की बात कर ले तो मिनिमम सैलरी आपका 35,400 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम 1,12,400 तक जा सकता है। ये बहाली जो है दो पदों पर है, ड्राफ्ट्समैन और सुपरवाइजर के पद पर है, ठीक है। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए होगा, इस फॉर्म को कब से भरा जा सकता है, आखिरी डेट क्या होगा, ठीक है। और भी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन और सब भी चीज़ें हैं जिसके बारे में वीडियो में विस्तार में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और योग्यता के बारे में सबसे पहले आप सभी को बताते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जी हाँ दोस्तों, जिसको संक्षेप में मेस के नाम से भी जाना जाता है, आप एडवर्टाइज नंबर मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि DR:SH2:2021:CEPZ है। और इसमें ड्राफ्ट्समैन एंड सुपरवाइजर बैरक्स एंड स्टोर रिक्वायरमेंट 2021 के लिए ये भर्तियाँ मंगवाया गया है। वही इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो 22 मार्च 2021 से इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। और वही आखिरी डेट की बात कर ले तो 17 मई 2021 तक इसका आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही एग्ज़ाम डेट के लिए बात कर ले तो 20 जून 2021 टेंटेटिव डेट रखा गया है। वही बात कर ले कि इस आवेदन के लिए कितना चार्ज लिया जा रहा है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये चार्ज रखे गए हैं, जो कि बहुत ही कम है और लगभग सभी छात्र भर सकते हैं। वही अन्य कास्टों की बात कर ले, कैटेगरी की बात कर ले तो कोई भी फी नहीं रखा गया है। पेमेंट मोड जो है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। बात कर ले इसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो दो पद है जिसमें टोटल वैकेंसियाँ 502 है। पहले जो पद है ड्राफ्ट्समैन के हैं जिसमें टोटल पोस्ट 52 है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, भारत के किसी भी राज्य के अंतर्गत या केंद्र के अंतर्गत संस्थान से आप अगर आर्किटेक्चर में डिप्लोमा किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। बता दूं कि उस एक साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जा रहा है, तो ये भी बता देंगे। वीडियो को पूरा देखते जाइए, आगे मैं ये बता देने वाला हूँ कि क्या स्पेसिफिकेशन होगा एक्सपीरियंस के लिए। वही अगली पोस्ट की बात कर ले तो सुपरवाइजर है जिसमें भयंकर पोस्ट है, 450, जी हाँ दोस्तों विशाल पोस्ट है। वही इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो इकोनॉमिक्स में अगर मास्टर डिग्री रखे हैं या कॉमर्स में है या फिर स्टैटिक्स में है, ठीक है, या फिर बिजनेस स्टडीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन साथ में आपको एक साल का एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी इसके लिए आप एलिजिबल है, ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए डिफरेंट कैटेगोरी में आपको बता दें सीटें की संख्या। तो ड्राफ्ट्समैन में जनरल में 21 है, सुपरवाइजर में 183 है। ओबीसी की बात कर ले तो ड्राफ्ट्समैन में 14 है और सुपरवाइजर में 120 है। तो इस प्रकार से टोटल जो है 502 सीटें हैं, ठीक है। तो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले तो आपको ये सारे डिफरेंट शहरों में एग्जाम सेंटर आपको मिल सकता है, ये एक फैसिलिटी मिलेगा। तो चलिए आगे जो है आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन से रूबरू कराते हैं और कुछ और विशेष जानकारियां देते हैं इसके लिए। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हेडक्वार्टर्स चीफ इंजीनियर, ठीक है, साउथर्न कमांड पुणे, इस प्रकार से है। एडवर्टाइज नोटिस फॉर रिक्वायरमेंट टू पोस्ट इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ 502 वैकेंसीज
फॉर द ड्राफ्ट्समैन एंड सुपरवाइजर बैरक्स एंड स्टोर्स। जी हाँ दोस्तों, इन दो पदों के लिए जो है भर्तियाँ हैं। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें आपको। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स मस्ट हैव एक्वायर्ड द एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन एज एन ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है, अगर आप 12 अप्रैल तक, ठीक है, आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल कर लेते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे, ये आपको मैं बता दूँ। चलिए स्पेसिफिकेशन बता दूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर ड्राफ्ट्समैन के लिए एलिजिबल हैं तो। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑटो कैड, ऑपरेशन ऑफ जीरोक्स प्रिंटिंग एंड लेमिनेशन मशीन ETC में। वही बात कर ले, अगर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आप अप्लीकेबल हैं तो आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। ठीक है, बात कर ले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा फॉरम द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स फॉर इंटायर एक्सपीरियंस क्लेम क्लियरली मैंसनिंग द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जहाँ भी काम किए हैं, जितने दिनों का काम किए हैं, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में यह मैंसन होना चाहिए डेट, मंथ और ईयर के साथ। साथ में इंडिकेटिंग बेसिक पे भी होना चाहिए कि आपको कितना बेसिक पेमेंट मिलता था। और उसके बाद जो है आपका द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड ऑल्सो मैंसन द नेचर ऑफ ड्यूटीज, वहाँ पे आपके क्या क्या कर्तव्य थे, क्या क्या ड्यूटीज़ थे, ये भी मेंशन होना चाहिए विद ड्यूरेशन के साथ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट रिलेवेंट टू द पोस्ट। तो अगर सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है तो इन सारे चीज़ों के साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेंशन होना चाहिए। और चलिए कुछ और भी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें आपको आपसे शेयर कर दूँ। तो बता दूँ कि जो इसके लिए सैलरी रखा गया है वो तो मैंने बता दिया कि 7 CPC है। मिनिमम सैलरी 35,400 होगा। ठीक है, एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वही बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस क्या होंगे, तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा ये भी बता दूँ आपको, बने रहिए। देखिए एग्ज़ाम का जो मोड होगा, इसका एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन ही लिया जाएगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ये टोटल जो है आपके ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120 मिनट्स होंगे। वही फिजिकली हैंडीकैप को 40 मिनट अधिक दिया जाएगा। OMR बेस्ड रिटेन एग्जामिनेशन होगा, इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 25 मिलेंगे। वही जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे। वही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के लिए भी 25 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए भी मैक्सिमम 25 नंबर दिए जाएंगे। वही स्पेशलाइज्ड टॉपिक यानी कि ड्राफ्ट्समैन के लिए है तो उसके लिए जो आपका पेपर होगा, या अगर सुपरवाइजर के लिए है तो जिस भी क्षेत्र में आपने बैचलर डिग्री या PG किया है उसके लिए, तो इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए मिलेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होगा और 125 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको विभिन्न भारत के शहरों में पोस्टेड किया जाएगा, वो भी बता दूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सिटीज ऑफ पोस्टिंग स्टेशन एनी ऑफिस ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी राज्य में जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का स्टेशन होगा वहाँ आपको अपॉइंट किया जाएगा या ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लें। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ आपको ये लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इजीली फॉर्म को भर सकते हैं। ये आप खुद भी गूगल पे www.mes.gov.in पे जाके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म का चार्ज मैंने बता दिया है आपको। यहाँ पे देखिए साइन और मोहर लगा हुआ है, मुख्य अभियंता संयुक्त महानिदेशक, ठीक है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, वहीं यहाँ पे लगा हुआ है चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर चीफ इंजीनियर पुणे, इस प्रकार से। तो बहुत अच्छी बहाली है, विशाल बहाली है, 502 सीटें पे ड्राफ्ट्समैन एवं सुपरवाइजर के लिए भर्तियां मंगाया गया है। अगर वही बात कर ले सुपरवाइजर के लिए तो कुछ और भी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दूँ। तो देखिए ये सुपरवाइजर का जो पोस्ट है, सुपरवाइजर के लिए जो क्वालिफिकेशन है,
यहाँ आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और स्टैटिक्स और बिजनेस स्टडीज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर ये सारे कोर्स आप किए हैं, बीएससी बैचलर डिग्री इन सब्जेक्टों में किए हैं, तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। वही डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट और वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट और परचेजिंग और लॉजिस्टिक और पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ में बता दूं कि 2 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड स्टोर्स को हैंडल करने का अनुभव होना चाहिए, कीपिंग अकाउंट्स होना चाहिए इन ए स्टोर और इन ए कंसर्न ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेचुअरी और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और यूनिवर्सिटी और इन्हें जो है बैंक्स और इन्हें प्राइवेट सेक्टर। तो इस प्रकार से आपको इस क्षेत्र में जो है 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए, तो आप इसके लिए सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आई होप कि सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी बंदे इसके लिए एलिजिबल है, जल्द से जल्द फॉर्म को भरे। आखिरी डेट जो है 17 मई है, 17 मई तक इसको भरा जा सकता है। वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं यार आलतू फालतू को वीडियो को ना देख कर यार ज़रूरत की चीज़ों को देखो और लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप भी समझते होंगे कि नहीं ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, अन्यथा मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए मैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, सबको खुश रखिए।